लेकिन ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी, ये इस तरह से करना, मैं समझता हूँ कि सरकार को तुरंत इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए। और ऐसे लोग जो जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि बिना कानून के ना तो कोई दरगाह बनना चाहिए, ना तो कोई इस तरह से मंदिर बनना चाहिए, देश कानून से चलेगा, देश सेकुलर है, इस तरह की बातें लाकर आपस में विभाजन नहीं करना चाहिए। हम इनका घेराव करेंगे और इनको बताएंगे कि तुम झूठे आदमी हो, और आपके इस्तीफा मांगेंगे, आपसे माफ़ी मंगवाएंगे। लेकिन राज ठाकरे ने बोला तो तुरंत कार्रवाई हो गई, और हम चिल्ला रहे हैं रोजाना, कोई सुनता नहीं है। मतलब क्या क्या डरते हैं उनसे इसका मतलब? ये लोग छेड़छाड़ हुई, जिसका छेड़छाड़ हुई उसको पकड़ो, उस पर केस करो, सजा दो, उसमें कोई एतराज़ नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। परंतु उस छेड़छाड़ के बाद वहाँ के नेताओं ने जितने उत्तर भारतीय हैं उनको मारना शुरू कर दिया, उनको घरों से निकाल रहे हैं कि इनको घर से निकालो, इनको भाड़े पे कोई घर मत दो। ये जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे बोलते हैं, ये हिंदुओं को मार रहे हैं। और मैं उनको याद दिला दूँ कि ये जो उत्तर भारतीय हैं ना, वहीं गंगा बहती है, वहीं राम मंदिर है, वहीं कृष्ण भगवान पैदा हुए, वहीं सारे देवी देवता हैं। और उस धरती के लोग जो यहाँ रोजी रोटी कमाने आते हैं, उनके साथ बार बार कुछ न कुछ इस तरह की हरकतें होती हैं, इस पर बाज आ जाओ। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, आप उसी बनारस में चुन कर आए हुए हो, बनारस से चुन के आए हो, बनारस के लोग वहाँ काम कर रहे हैं और उनको मारा जा रहा है जहाँ आपकी सरकार है, और उनको मार मार के उनको बेइज्जत किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। इस तरह की चीज़ें बंद होना चाहिए। ये जो है अपने आप को हिंदुत्व की बात करने वाले, हमारे बेचारे मजदूर जो यूपी से आते हैं उनके साथ बार बार कुछ ना कुछ कोई ना कोई इस तरह की हरकतें कर रहा है। मैं बता दूं कि देखो, उत्तर प्रदेश में पैदा जिस तरह कृष्ण भगवान को पैदा करने वाली माँ एक थी और पालने वाली माँ एक थी, उसी तरह से उत्तर भारती जो यहाँ आके काम कर रहे हैं उनको पैदा करने वाली माँ उत्तर भारत है, तो पालने वाली माँ महाराष्ट्र है। दोनों का सम्मान करते हैं ये। और इस देश के संविधान में कोई भी व्यक्ति कहीं जाकर रोजी रोटी कमा सकता है, लेकिन ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी, ये इस तरह से करना, मैं समझता हूँ कि सरकार को तुरंत इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए। और ऐसे लोग जो जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको कठिन जो है सबक सिखाना चाहिए, उनको जेल होना चाहिए, उन पर केस होना चाहिए, और ये हरकतें बंद होना चाहिए। मैं तो मांग करता हूँ कि पार्लियामेंट में एक ऐसी बिल आना चाहिए कि कोई भी पर प्रांतीय इसी मुल्क के रहने वाले पर प्रांतीय के नाम से किसी के साथ कोई भी व्यवहार किया जाए, उनको परेशान किया जाए, तो ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत सख्त कानून बनना चाहिए, ताकि अपने देश में ही रहने वाले एक दूसरे राज्य से जाने के लिए इस तरह की बदतमीजी करने वालों को सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल, कोई नेता लोग हैं बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं मालूम कौन सी पार्टी के हैं, लेकिन वो सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग ज्यादा हैं। अबू भाई, आप कह रहे हैं हिंदुत्व की सरकार है और वहां पर मारपीट हो रही है, हिंदुत्व की सरकार है और माहिम दरगाह के पास एक इलीगल कंस्ट्रक्शन जो समंदर के भीतर बना था, कब राज ठाकरे ने कहा सीधा कार्रवाई होगी? नहीं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ इस पर कार्रवाई करो, आपने उस पर कार्रवाई तो कर दिया फटाफट, और एक तरफ चारों तरफ पूरे महाराष्ट्र में 20-25 कर दे इस तरह से, कहीं ना कहीं इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और देश संविधान से चलेगा, किसी की गुंडागर्दी से नहीं चलना चाहिए। जानबूझकर नया हाजी अली माहिम समंदर पे बनाया जा रहा है, ऐसे में राज ठाकरे ने भी इशारा दिया कि हम गणेश जी का मंदिर बनाएंगे, हमें रोक लगा। नहीं देखिए, ऐसा है ना कि बिना कानून के ना तो कोई दरगाह बनना चाहिए, ना तो कोई इस तरह से मंदिर बनना चाहिए, देश कानून से चलेगा, देश सेकुलर है, इस तरह की बातें लाकर आपस में विभाजन नहीं करना चाहिए। जहां भी गलत काम हो रहा है सरकार उस पर कार्रवाई करे, इसमें कोई रोक टोक नहीं। घेराव मेरे हिंदू कार्यकर्ता जो कहते हैं हम देश में गंगा जमुनी तहजीब चाहते हैं, उन कार्यकर्ताओं ने खुद संकल्प लिया, मैंने किसी से नहीं कहा है, उन कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि जो लोग आज गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करके झूठ बोलते हैं, मंत्री बनकर के हाउस के फ्लोर पर 1,00,000 की बात करने वाले, जबकि 0 कंप्लेंट चारों तरफ है, हम इनका घेराव करेंगे और इनको बताएंगे कि तुम झूठे आदमी हो, और आपके इस्तीफा मांगेंगे, आपसे माफ़ी मंगवाएंगे। नहीं देखिए, अच्छा है कार्रवाई हुई, मैं समझता हूँ, मुझे कोई इसमें एतराज़ नहीं, कोई भी इलीगल कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन राज ठाकरे ने बोला तो तुरंत कार्रवाई हो गई, और हम चिल्ला रहे हैं रोजाना, कोई सुनता नहीं है। मतलब क्या क्या डरते हैं उनसे इसका मतलब? ये लोग ठीक बना लो, तब अलग से।